हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ व्लॉग एंड आज है मंडे बेसिकली। तो अभी जस्ट मैं सो के उठी हूँ। सो आई यूजुअली स्लीप विथ टाई हेयर, मतलब मैं बालों को बांध करके सोती हूँ सो दैट डैमेज कम होता है बालों में। एंड यस, आज का दिन हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कल मैंने सोचा था कि मैं कल और परसों व्लॉग करती, सैटरडे संडे, मैंने दोनों दिन सोचा था कि मैं वीकेंड व्लॉग करूँ। बट हुआ ये था कि कल ना मेरा पूरा यहाँ पे जो फेस है एंड ये जो आई है वो एकदम ऐसे स्वलन हो गया था। वो मैं बताऊँगी आगे कि क्या रीज़न हुआ था। तो अभी जो स्टार्ट करते हैं, मैंने अपना फेस वेस सब वॉश कर लिया है एंड मंडे रूटीन स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो मैं मंडे काफ़ी बार आप लोगों को दिखा चुकी हूँ, तो आज जस्ट आई एम डूइंग अ नॉर्मल वीक डे व्लॉग क्योंकि वीकेंड नहीं कर पाई हूँ। स्टार्ट करते हैं अपने दिन के जो भी काम है उनसे। अभी मुझे बेडिंग बनाना है एंड साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों की जो रैक है जिसमें हम अपने क्लोथ्स ड्राई करते हैं वो हमने यहीं पर अंदर ही बेडरूम में रख दी थी, क्योंकि फैन चलता है, एसी चलता है ना, तो जल्दी एक ही दिन में ड्राई हो जाती है। अदरवाइज वहाँ हम किचन में रखे रखते हैं तो वो दो दो तीन तीन दिन तक ना पड़ी ही रहती है। फिर उसके ऊपर डस्ट भी जम जाती है कपड़ों के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर रखने से क्या होता है, अभी ये ड्राई हो गया है, अभी दिन तक क्योंकि यहाँ रखा हुआ है तो ये दिन में फटाफट इसको सब फोल्ड करके ये जगह पे सारा प्लेस हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया है। यस, स्टार्ट करते हैं दिन की शुरुआत, लेट्स गो। फटाफट से मैं जो बेडिंग है वो बना देती हूँ। One of my subscriber has started this business of you know dry foods and these kind of khada masalas. तो आप ऐसे order कर सकते हैं, जैसे ये cinnamon stick हो गई, ये अंजीर हो गया, तो उन्होंने मुझे ये एंड साथ ही साथ ये काजू भी दिया था। तो आई एम यूजिंग द काजू फ्रॉम हर ब्रांड ओनली एंड बाई फार आई एम लविंग इट। तो शी लिव्स इन थाने ओनली, तो आप उनसे ऑर्डर कर सकते हैं। इनका इंस्टाग्राम पेज है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इनका जो है डिटेल्स वो दे दूंगी। फिर एनी केस यू वॉन्ट टू ऑर्डर इट, यू कैन ऑर्डर फ्रॉम हेयर एज वेल। सो कुकिंग स्टार्ट करने से पहले आई एम गोइंग टू अप्लाई ऑयल ऑन माय हेयर। तो पहले हम ऑयल लगाएंगे और उसके बाद जब तक ऑयल जो है वो अब्सॉर्ब होगा बालों में उतनी देर मैं यहाँ पर कुकिंग करूँगी। सो यस, पहले ऑयल लगाते हैं एंड देन फिर कुकिंग से स्टार्ट करते हैं। सो आई गॉट दिस प्रोडक्ट राइज हेयर रेंज बाय मामा अर्थ, ये उनका न्यू लॉन्च भी है। तो इसमें तीन वेरियंट्स आते हैं, एक तो आता है इनका राइज हेयर ऑयल, उसके बाद एक शैम्पू है एंड साथ ही साथ कंडीशनर है। तो अभी मैं यही राइज हेयर ऑयल अपने बालों में लगाने वाली हूँ। जो फर्मेंटेड राइस वाटर होता है ये आपके बालों को स्ट्रॉन्गर बनाता है, हेल्दियर बनाता है, लॉन्गर बनाता है एंड शाइनियर बनाता है। तो ये जो ऑयल है इसके जो इंग्रेडिएंट्स है वो है राइस ब्रान ऑयल, कोकोनट ऑयल एंड आलमंड ऑयल इसमें मिला हुआ है। ये रूट्स एंड स्ट्रैंड्स में स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, डैमेज से रिपेयर करता है। तो ये है मामा अर्थ का राइस वाटर शैम्पू, इसमें फर्मेंटेड राइस वाटर मिला है, कैरेटिन मिला है एंड वीट प्रोटीन मिला है। सो बेसिकली ये डैमेज को रिपेयर करता है, स्प्लिट एंड्स को रिड्यूस करता है, हेयर ब्रिकेज को प्रिवेंट करता है। हैशटैग लॉन्ग हेयर सीक्रेट्स अनलॉक्ड। ओके गाइस, सो आई जस्ट टुक शावर एंड मैंने शावर वगैरह ले लिया है। ड्राई करने के बाद आपको और अच्छे से बताऊंगी कि एक्चुअली मैं ये कैसा वर्क कर, मतलब कैसा लग रहा है मुझे। सो यस, इफ यू वॉन्ट टू बाई दिस प्रोडक्ट लिंक्स विल बी गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड अगर आप मेरा स्क्रीन पर कूपन कोड यूज करेंगे देन यू विल गेट एक्स्ट्रा 20% डिस्काउंट ऑन मामाअर्थ की वेबसाइट पर। सो आई यूज दिस कंडीशनर एज वेल। तो मैंने अपने बालों को ड्राई कर लिया है, मैंने एयर ड्राई किया है, नो ब्लो ड्राई एंड लुक एट द शाइन ऑन माय हेयर। माय हेयर आर लुकिंग सो सॉफ्ट। कंडीशनर लगाने के बाद मेरे बाल काफी ज्यादा सॉफ्ट एंड काफी सिल्की एंड स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। सो इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, फिर भी हम ये जो सीक्रेट इंग्रीडियंट है इसको अपने हेयर केयर रूटीन में नहीं यूज करते हैं। राइस इज अ स्टेपल ऑफ अवर न्यूट्रिशन एंड शुड इंक्लूड इन योर हेयर केयर रूटीन एज वेल। फर्मेंटेड राइस वाटर जो होता है ये आपके बालों से हेयर ब्रेकेज को रिड्यूस करता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है, शाइनियर बनाता है। सो मामा अर्थ इज ऑल अबाउट गुडनेस इनसाइड। आप जब भी मामा अर्थ की वेबसाइट से कोई भी मामा अर्थ का प्रोडक्ट परचेस करेंगे, मामा अर्थ विल लिंक योर ऑर्डर ऑन अ वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। इसका पीछे का पर्पस ये है कि आप मामाअर्थ का एक अच्छा सा प्रोडक्ट तो खरीद ही रहे हैं, साथ ही साथ आप अर्थ को भी कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साथ ही साथ मामाअर्थ इज अ क्रुएल्टी फ्री ब्रांड, ये कोई भी हार्मफुल टॉक्सिन्स केमिकल्स यूज नहीं करते हैं। मामाअर्थ हैज बीन अवार्डेड पेटास क्रुएल्टी फ्री एंड ब्यूटी विदाउट बनीज सर्टिफिकेशन एज वेल। तो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये अवेलेबल हैं नायका, अमेज़न और मामाअर्थ.in पर।
तो आज हम लोगों ने लंच में बिल्कुल अलग ही चीज़ें बनाई है। तो ये बनाई है मसाला मैगी और ये बन चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मैं झटपट एकदम पानी पूरी का पानी बना रही हूँ। मतलब पुदीना वाला तो मैं शेयर कर चुकी हूँ, बट ये एकदम फटाफट वाला जो होता है ना, तो ये MDH का पानी पूरी मसाला आता है। आपको सिर्फ वाटर में इसको ऐड करना होता है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर काला नमक ऐड कर रही हूँ। उसके बाद जो भुना हुआ जीरा पाउडर होता है, ये घर में बनाया मैंने, वो मैंने ऐड किया हुआ है। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा चाट मसाला, दैट्स इट। आप चाहें तो थोड़ी सी रेड चिली पाउडर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेमन जूस थोड़ा सा ऐड कर दिया है, थोड़ी सी बूंदी मिला दी है, धनिया ऐड कर दिया है, एंड दैट्स इट। ये इतना फटाफट बन जाता है, 2 मिनट में बन के रेडी हो जाता है। आपका पानी पूरी मसाला इज रेडी नाउ। तो अब आते हैं मसाले के ऊपर। तो यहाँ पर मसाले में ना हमारे पास बहुत थोड़े से बॉयल पोटैटोज थे, तो मैंने बस उतने ही रखा। एंड यहाँ पर आलू भुजिया थोड़ा सा चूड़ा मिलाया है, एंड थोड़े से अनियन मिला दिए हैं, धनिया मिला दिया है, और ये हमारा मसाला रेडी हो गया है। ये हमारा पानी रेडी हो चुका है झटपट 5 मिनट्स में, एंड ये हमारा मसाला रेडी हो चुका है। एक्चुअली बॉइल्ड अनियन, बॉइल्ड पोटैटोज मेरे पास बहुत कम थे, तो मैंने उसी में ही चूड़ा और थोड़ी सी आलू भुजिया, अनियंस एंड ये धनिया डाल दिए। बहुत टेस्टी लगने वाला है, आई एम श्योर। तो यहाँ पर हम ढोकले भी बना रहे हैं। तो ये मार्केट वाला जो पैकेट आता है ना, मिक्स आता है, वो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। इसमें मैंने कुछ सोडा सॉल्ट कुछ भी नहीं ऐड किया है, सिर्फ पानी मिला करके इसको मिक्स किया है, एंड कुकर बंद करके इसको कुक होने दिया है, मतलब स्टीम के थ्रू बनता है ये। तो ये देखिए हमारा ये काफ़ी अच्छे से रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब मैं निकालूंगी। इसका जो मेन होता है ना, वो तड़का होता है, पूरा जो टेस्ट चेंजिंग वाला होता है गेम, वो तड़के का होता है। तो अगेन मैं बहुत सिंपल बनाती हूँ, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा टेस्टी लगती है आई गेस। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा ये कड़ी पत्ता ले लिया है, मेरे घर पे ही लगा हुआ है वो। अब हम इसको वॉश कर लेंगे। तो एक छोटा सा आप तड़का पैन ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लीजिए, उसमें राई आपको डालनी होती है, उसके बाद जो तिल्ली होती है ना वो थोड़ा सा डालना होता है, एंड यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची डाली है एंड कड़ी पत्ता भी ऐड कर दिया है साथ में। तो ये देखिए, बहुत ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, एकदम हल्का सा वो फ्राई करना है। एंड यहाँ पर मैंने पानी ऐड कर दिया, वापस से मैं इसको गैस पर दूंगी, और यहाँ पर मैं ब्राउन शुगर ऐड कर रही हूँ, एंड थोड़ा सा मैंने लेमन जूस ऐड किया है, दैट्स इट। बस इतना ही, और हमारा तड़का रेडी हो चुका है। और यहाँ पर अब हम इसको कट वगैरह कर रहे हैं, देखिए कितना स्पॉन्जी बना हुआ है। और बस अब ये जो तड़का हमने बनाया है, ये हम लोग ऐड कर लेंगे, एंड कितना यम्मी दिख रहा है। मतलब मुझे वॉइस ओवर करते करते क्रेविंग हो रहा है कि हाँ, मैं ये फिर से बना के खा लूँ, तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along. And I can't help but feeling. तो अभी हो चुकी है मस्त शाम। आई एम स्टैंडिंग इन माय बैल्कनी राइट नाउ, एंड आज मेरे को एक और मेरी जो सब्सक्राइबर हैं, शी लिव्स इन माय बिल्डिंग ओनली, उनका मैसेज आया दैट शी लिव्स इन, जो मेरी सोसाइटी है उसमें, जो मेरी बिल्डिंग का नाम है उसमें रहती है वो। तो अगेन आई आस्क कि आपका बिल्डिंग का नंबर क्या है, देन उन्होंने मुझे अपनी बिल्डिंग का नंबर बताया, देन आई आस्क कि आप कौन से फ्लोर पे रहते हो। तो हम लोग, मतलब वो एकदम मेरे नीचे तो नहीं रहती है, बट हम लोग सेम ही विंग में रहते हैं। उनसे मेरी बात हुई और बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड उसके बाद कल से मुंबई में अगेन लॉकडाउन, वैसे तो आज से स्टार्ट होने वाला था, बट कल से थोड़ा स्ट्रिक्ट वाला लॉकडाउन स्टार्ट होगा। मतलब अगेन वही मॉल, सैलॉन, जिम, पार्क सब बंद करने का ऑर्डर आया है अगेन। तो हम लोग अभी यही बात कर रहे थे, एक बंदी है, वैसे मैं काफ़ी सामान लेती हूँ, तो वहाँ पर एक लड़की है जिसको मैं कॉल करके, जैसे कुछ भी मुझे चाहिए होता है या अवेलेबल होता है नहीं होता है, तो मैं उससे बात करती हूँ। तो मैंने फिर उसको आज कॉल करके पूछा कि मतलब सिचुएशन की क्या है, खुला है कि नहीं है। तो वो मुझे बोली कि आज तो ओपन है मॉल, लेकिन कल से बंद रहेगा। तो मैंने उससे सीधा फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा कि फिर सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो वो बोलती है 15 दिन तो नहीं मिलेगी, डिडक्ट होगी सैलरी। और मैं उसके साथ साथ सोचूँ, उसका हस्बैंड भी मॉल में ही जॉब करता है, तो वो लोग यही बोल रहे थे, कहते हैं हमको सबसे ज़्यादा टेंशन इस चीज़ का है कि हम लोग रेंट कैसे भरेंगे, रेंट कैसे पे करेंगे, कैसे खाएंगे, कैसे बच्चों को खिलाएंगे। मतलब इट वॉज़ रियली टफ यार। मतलब हम लोग, मैं विकी को ये बोल रही थी कि कितने सारी प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। एंड चलिए ठीक है, अभी सीरियस वाली बातें हटाते हैं अपन, क्योंकि मैं जब ये सब सोचती हूँ ना, तो मेरे को थोड़ा एंजाइटी होने लगता है। आई एम श्योर मेरे जैसे और भी लोग होंगे जो ये सोच सोच के ओवर थिंक
ओवर थिंक करके फिर एंजाइटी आ जाती है। तो मैंने कुछ सामान मंगवाया था होम सेंटर से, ऑनलाइन वाला जो होता है ना, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई थी, तो वो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वो आ गई है, दो तीन चीज़ें ऐसी बेसिक सी चीज़ें हैं, तो लेट मी शो यू फ्यू थिंग्स जो मैंने मंगवाई है होम सेंटर से। तो एक तो मैंने ये बैम्बू कंटेनर मंगवाया है, दिस इज नॉट फॉर, एकदम से वो निकला कबूतर निकला यहाँ से, ये मैंने बाथरूम के लिए स्पेशली मंगवाया है। सो ये है मेरा फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो सेकंड मैंने मंगवाया है वो इस तरह का एक प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर मंगवाया है, अगेन ये मैंने बाथरूम के लिए, जो हमारे बाथरूम की विंडो है ना उसमें रखने के लिए मंगवाया है। तो ये है मेरा सेकंड प्रोडक्ट। एंड जो थर्ड है, मैं बोल रही थी ना बहुत टाइम से कि मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए, तो मुझे बेसिकली चॉपिंग बोर्ड चाहिए था वेस्ट साइड का, बट देन वेस्ट साइड वाली जो ऑनलाइन स्टोर है वहाँ से चॉपिंग बोर्ड मिल नहीं रहा है, एंड मुझे ये मिल गया ऑनलाइन। और उसके बाद ना इसका जो मुझे क्वालिटी वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा लगा, मैं आपको बताती हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ इस चॉपिंग बोर्ड की ये है, डिसेंट साइज का चॉपिंग बोर्ड है, जितना हमको चाहिए था उतना ही है, कि इसमें ट्रे है, तो मतलब आप जो भी पील करते हैं या जो भी वेस्टेज होता है ना उसके लिए आपको एक अलग से कुछ कंटेनर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें ये सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, एंड इस ट्रे को आप आराम से वॉश भी कर सकते हैं। सो आई रियली लाइक दिस थिंग, ये मुझे अच्छा लगा। तो ये है नेक्स्ट प्रोडक्ट। और उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है, ये मैंने मंगवाया है, एक सेकेंड, गेस, एनी गेसेस कि मैंने क्या मंगवाया है, क्या आप गेस कर पा रहे हो? अगर गेस कर पा रहे हो ना तो कमेंट ज़रूर करना कि आपने गेस कर लिया, और जो गेस नहीं कर पा रहे हैं उनको मैं इसको पूरा वो करके बताती हूँ। बहुत सही लग रहा था मुझे। तो एक्चुअली मेरे पास जो वाइन ग्लासेस है ना, चार एक तरह के हैं और दो अलग तरीके के हैं, तो वाइन ग्लासेस बहुत ट्रिकी होता है उनको रखना, क्योंकि वो कभी भी लुढ़क जाते हैं। तो हमने ये जो कंटेनर रख के रखा है ना, ये इसकी जगह पे हम लोग, दिस वॉज अ गिफ्ट, सो ये यहाँ पर आ जाएगी बॉटल, दिस इज़ पैक्ड, तो ये यहाँ पर इस तरीके से, वाओ सो क्लासी, and this is looking extremely classy, this is like a mini bar, don't you know that I would, cause I'm just loving this moment, can always stay here forever, 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 I'll watch you as you sleep. सो दिस इज़ लुकिंग एक्सट्रीमली क्लासी पीस लग रहा है ये। मतलब आई एम समवन जिसको, मतलब ऑब्वियसली आई डोंट ड्रिंक एल्कोहल, ठीक है, आई एम नॉट एट ऑल एल्कोहलिक, तो इवन हमको ये गिफ्ट में भी आई है, बट वी बोथ, मतलब हम लोग ऐसे बहुत इन्जॉय नहीं करते इसको ड्रिंक करना, तो वो रखी हुई है ऐसी शो में भी, वो बहुत सुंदर लग रही है, तो हमारे फ्रेंड्स वगैरह आएंगे, कोई पसंद करता है पीना तो उसको हम डेफिनेटली सर्व करते हैं। तो मुझे शौक है बहुत कि एक मिनी बार अच्छा सा होना चाहिए, भले ही मैं उसमें एप्पी फिज रखूं, भले ही मैं उसमें कोल्ड ड्रिंक्स रखूं, भले ही मैं उसमें ठंडाई रखूं, बट होता है ना वैसा वाला, तो वो तो खैर जब बात की बात है, जब कभी खुद का घर होगा और मैं उसको डिज़ाइन करूंगी, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन है उसकी, कॉम्पैक्ट एंड क्लासी एंड अफोर्डेबल एज वेल, बट फॉर नाउ दिस सर्व्स द पर्पस, बहुत सही लग रहा है मुझे ये। उसके बाद मुझे चॉपिंग बोर्ड भी काफ़ी सही लगा, तो होम सेंटर की जितनी भी चीज़ें आई हैं सभी काफ़ी अच्छी लग रही हैं फिलहाल तो। सो आई गॉट दिस ब्यूटिफुल सूट, ये एक्चुअली वाइट एंड बहुत ही ब्यूटिफुल से कॉम्बिनेशन में है, तो मैंने ये सूट मंगवाया है, दिस इज़ फ्रॉम, एक सेकेंड, ये है फ्रॉम लिबास, दिख रहा था वो मैं यहाँ पर लगा दूंगी इसकी पिक्चर। तो ये मैंने मिंत्रा, एक्चुअली मुझे भेजना था ये मेरी मम्मी के लिए, मेरी मम्मी का भी बर्थडे निकला है, बट हमारे घर में कुछ थोड़े ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए थे पिछले 8-9 दिन, हमारे यहाँ थोड़े से टफ गए हैं, बट आई डिडंट शेयर दिस थिंग, मतलब मेरी मम्मी घर पे ही नहीं थी, उनका बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ, एंड देन फिर मतलब हुआ है बैक टू बैक, एक दो चीज़ें ऐसी हो गई हैं, तो ठीक है नेवर माइंड। तो मैंने सोचा था कि मम्मी को ये सूट भिजवा दूंगी, बट इस कलर के पैटर्न में सिर्फ एक ही साइज़ अवेलेबल था और वो भी मेरा साइज़ अवेलेबल था, तो मुझे वो देख के ना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत समरी एंड ऐसे लाइट शेड, मैं यूजुअली थोड़े डार्क शेड्स पहनना ज़्यादा पसंद करती हूँ, लाइट शेड्स मैं कम पहनती हूँ, तो मैंने कहा एक सिंपल सा सोबर सा सूट हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे दुपट्टे वाला सूट है भी नहीं, मैं लाई नहीं भोपाल से,
तो ठीक है, फिर मैंने ये वाला सूट मंगवा लिया एंड फिटिंग विटिंग सब उसकी बहुत अच्छी आई है। आपको अपना ना डाइनिंग टेबल दिखाती हूँ, मेरे डाइनिंग टेबल की हालत देखिए, उसके बाद यहाँ मेरे घर पे ये हालत देखिए, उसके बाद अब मैं आपको अपना किचन बताती हूँ। ये है मेरा किचन का कंडीशन, तो अभी मुझे थोड़ा सा क्लीनिंग करना है, क्योंकि अगर मैंने अभी क्लीनिंग नहीं करी तो मैं कल सुबह बहुत चिड़चिड़ करूंगी, तो इसलिए मैं फटाफट से विद इन हाफ एन आवर का टारगेट लेती हूँ और ये सब क्लीन करती हूँ और घर थोड़ा अच्छा करती हूँ। तो हम लोग का जो चॉपिंग बोर्ड अभी हम यूज कर रहे थे ना, वो ये था, इसकी तो बिल्कुल ही हालत खराब हो चुकी है। You don't know I'm looking with you, everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. ये हम लोगों के when I dance around, I can't help but feeling just loving. Dining table is clean. Quick tour. My dining area is absolutely clean. This area is clean. And ये सब भी बहुत अच्छे से clean हो चुका है. And आपको एक चीज़ बताती हूँ. Can you spot this? बहुत सारी हनी बीज छोटी छोटी आकर के डेड हो गई हैं। आई डोंट नो क्यों, आई थिंक किसी ने कुछ तो किया है, मैं तो वो सारी यहाँ पर आकर के मर गई हैं। तो हम लोगों ने उनको फ़ोन किया, जो छोटी छोटी हैं एक्चुअली, बच्ची हैं, दे आर नॉट बिग हनी बीज, बेबी हनी बीज है ये। इसलिए आज मैं आपको यहाँ के सिनेमेटिक शॉर्ट्स नहीं दे रही, बिकॉज मेरी तो बाप रे, बट फिर भी। तो यस, अब मैं जाती हूँ अपना स्किन नाइट केयर रूटीन करती हूँ, सारी चीज़ें करूँ, हम लोग बंद कर देते। और मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में, और ये विक्की, यहाँ से बहुत अच्छी हवा आती है, इधर से बहुत अच्छी हवा आती है। हम लोग ये वाली जो विंडो है ना, ये मस्त ओपन रखते हैं, ये डिम लाइन और डिम लाइट जो है वो ऑन रखते हैं, और बहुत सही हवा आती है। तो अब मैं अपना फेस वगैरह वॉश करूँगी एंड फिर मैं आप लोगों से डायरेक्टली मिलती हूँ कल सुबह। तो गुड नाइट। I'm just